आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के हमें बताना है कि क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज होती है। सबसे फर्स्ट आपको गिवन है गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन इन सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास K4Fe(CN)6, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेगा। पहली बात तो ये खुद ही एक कॉम्प्लेक्स है, तो ये बनाएगा क्या, K+ और साथ में Fe(CN)6-4, जो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करते हैं, और इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा है डिजोल्व इन वाटर टू गिव आयन, ठीक है। जैसे हमने इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व किया तो दो आयन बन रहे हैं, तो ये आयन्स का फॉर्मेशन करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने NaCl लिया सॉलिड, आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये बनाएगा Na+ aqueous और Cl- aqueous, दो ये आयन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट। अब चलते हैं ऑप्शन थर्ड पे, इज आयोनाइज्ड इन सॉलिड स्टेट। देखो कभी भी कोई जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स आर अपने पास क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, ओके। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आयन का फॉर्मेशन नहीं करते, तो आप ये कह सकते हो इन सॉलिड स्टेट दीज इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट प्रोड्यूस आयन्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये आयन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर आप इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आयन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फिर आता है ऑप्शन नंबर 4, जनरेट आयन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। देखो इनमें आयन, ये जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो जरूरी नहीं है कि ये आयन्स का जनरेशन करे। जैसे मान लो आपके पास फ्यूज्ड NaCl है, Na+ और Cl-, ठीक है। आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लिए जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, आपने बैटरी से कनेक्ट करके इसमें करंट पास कराया। जैसे करंट पास कराओगे तो क्या होगा, जो Na+ है वो जमा हो जाएगा कैथोड पे और Cl2 गैस है वो लिबरेट हो जाएगी एनोड पर, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आयन्स जो थे वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड और गैस, तो यहाँ तो ये खत्म हो रहे हैं, आयन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो ओनली ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।